फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोनाउन की वीडियो बनाई थी, प्रोनाउन को लेकर के, और अलग अलग प्रोनाउन पर मैंने वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, आज संडे की क्लास में हम लोग प्रोनाउन की वीडियो कल पढ़ेंगे। आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेट वर्सेस गिव। देखते हैं कि लेट वर्सेस गिव का यूज कहां करते हैं। प्रोनाउन की वीडियो कल पढ़ेंगे हम लोग, प्रोनाउन की वीडियो कल बनाऊंगा। आज देखते हैं लेट वर्सेस गिव, लेट का यूज कहां करते हैं और गिव का यूज कहां करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों का ही मतलब होता है दो, दोनों का मतलब होता है दो। लेट मीन्स भी दो और गिव मीन्स भी दो। तो आइए जानते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे और कहां इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेट का यूज हम कहां करेंगे। लेट लेट मीन्स भी होता है दो। तो फ्रेंड, लेट का जो यूज करेंगे हम, ये वर्ब के साथ करेंगे, वर्ब के साथ अर्थात क्रिया के साथ, क्रिया के साथ हम लेट का प्रयोग करेंगे, क्रिया के साथ लेट का प्रयोग हम क्रिया के साथ करेंगे। और एक और जानकारी आप लोगों को बता दूं कि लेट के साथ हम ऑब्जेक्टिव, जो हमारा केस होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसका हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट का यूज हम वर्ब के साथ करेंगे, क्रिया के साथ, कोई काम हो रहा होगा तो उसके साथ हम लेट का यूज करेंगे। लेट का अर्थ भी दो होता है और गिव का अर्थ भी दो होता है। और लेट के साथ हम जो है क्रिया की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इसी इंग्लिश हमको बनानी हो तो इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेट, लेट मी स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इसी तरह से उन्हें खेलने दो, उन्हें खेलने दो, तो उन्हें खेलने दो। हमको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। या इसी तरह से उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। तो यहां भी वर्ब है, जाने की क्रिया हो रही है, इसको इस तरह से हम बनाएंगे लेट का यूज करके। लेट का यूज करके कैसे बनाएंगे, इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे लेट हिम गो, लेट हिम गो टू होम, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम, उसे घर जाने दो। या इसी तरह से उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो। तो उन्हें की इंग्लिश जो होती है, उन्हें की इंग्लिश होती है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हमको लिखना है देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो इस तरह से लेट देम रीड, आप स्टडी भी लिख सकते हैं, लेट देम रीड और स्टडी, उन्हें पढ़ने दो। या इसी तरह से हमें मूवी देखने दो, हमें मूवी देखने दो, हमें इंग्लिश होती है वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो इस तरह से लिखेंगे लेट अस वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, मूवी देखना, लेट अस वॉच द मूवी, लेट अस वॉच द मूवी, हमें मूवी देखने दो। तो इस तरह से हम लेट का यूज करते हैं क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, जहां कोई काम हो रहा होगा, और लेट के साथ हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, इस तरह से लेट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेट का यूज समझ में आया होगा।
आइए देखते हैं गिव का यूज कहाँ पर करते हैं। आप लोगों को अगर इसका इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आइए देखते हैं गिव का यूज कहाँ पर करते हैं। उम्मीद आप लोगों लेट का यूज समझ में आ गया होगा। गिव का यूज फ्रेंड्स हम सामान के साथ, थिंग्स के साथ करते हैं, आर्टिकल के साथ करते हैं, किसी भी वस्तु के साथ। गिव, गिव का अर्थ भी होता है दो। गिव का भी हिंदी अर्थ क्या होता है? दो। जिस तरह से लेट का हिंदी अर्थ होता था दो, इसी तरह गिव का भी हिंदी अर्थ होता है दो। तो आइए देखते हैं गिव का यूज कहां पर करते हैं। गिव का यूज सामान के लिए, आर्टिकल के लिए, सामान के लिए, या जिसे हम कह सकते हैं वस्तु के लिए या चीज के लिए, सामान के लिए। गिफ्ट का यूज हम कहां करते हैं? सामान के लिए, वस्तु के लिए, जैसे हमको कहना हो। इसके साथ भी, गिफ्ट के साथ भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। जैसे मुझे अपनी कलम दो, मुझे अपनी कलम दो, मुझे अपनी कलम दो। तो देखिएगा, मैंने बताया था लेट का यूज हम करते हैं वर्ब के साथ और गिव का यूज करते हैं हम नाउन के साथ, सामान के साथ। तो यहां पर देखिए, कलम एक वर्ब और एक नाउन है, एक सामान है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, या इसी तरह से उसे एक गिलास पानी दो, उसे एक गिलास पानी दो। तो वर्ब के साथ एक गिलास पानी, उसे एक गिलास पानी दो। तो यहां पर एक गिलास पानी एक थिंग है, एक सामान है, आर्टिकल है। तो इस तरह से कहेंगे, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, उसे एक गिलास पानी दो। या इसी तरह से उन्हें किताबें दो, उन्हें किताबें दो। किताब एक आर्टिकल है, नाउन है, उन्हें किताबें दो। इस तरह से बनाएंगे, गिव देम बुक्स, गिव देम बुक्स, या इसी तरह से कृपया मुझे अपना मोबाइल फोन दो, कृपया मुझे अपना मोबाइल फोन दो। तो मोबाइल फोन भी एक आर्टिकल है, एक सामान है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लीज गिव का यूज करके बनाएंगे, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी कि लेट का यूज कहां करते हैं, गिव का यूज कहां करते हैं। लेट का यूज करते हैं वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, और उसके साथ भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और गिव का यूज करते हैं किसी भी आर्टिकल के लिए, किसी भी सामान के लिए। जैसे मुझे अपनी कलम दो, मुझे अपना बैग दो, या मुझे अपनी किताब दो, या मुझे डस्टर दो। तो इसके लिए हम गिव का यूज करेंगे, और लेट का यूज हम वर्ब के साथ करेंगे। तो ये आज संडे की जो हमारी स्पेशल वीडियो थी, टॉपिक से हट करके बनाया मैंने, प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे। कल मैं उस टॉपिक और फिर प्रोनाउन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये लेट और गिव के ऊपर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया।
उम्मीद है आप लोगों को जो डाउट रहा होगा लेट और गिव को लेकर के वो खत्म हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। थैंक।